केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत अयोध्या कांड से। श्री रामचंद्र जी जब वनवास चले जाते हैं तो वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी उनसे मिलते हैं, और महर्षि वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में भेंट होती हैं, और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे एक प्रणकुटी का निर्माण करना है। हे महामुनि, आप मुझे ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे मैं निवास कर सकूँ। उनके बीच का जो संवाद है उसको सजीव तरीके से तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयुष होई मुनि उद्बेगु न पावे कोई, मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु दही कोटि कुल भूसुर रोषु, अस जिन अस जिय जानी कही सोई ठाऊ सी सोमित्री सहित जह जाऊ, तह रुचि रुच तह रचि रुचिर प्रणत परन तृण छाला, बासु करो कछु काल कृपाला, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहो अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। हाँ, श्री रामचंद्र जी का और वाल्मीकि जी का जो संवाद हो रहा है उसको बड़े मार्मिकता से बड़े गहनता से आचार्य श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं सीधे संवाद पे। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिराय, मुनिराय यहां पे कौन हो जाएंगे, वाल्मीकि जी, यहां पे मुनिराय हो जाएंगे आचार्य, जो वाल्मीकि जी हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, मुनिराय यानी वाल्मीकि जी, तुम्हारा यानी आपके, पाए का मतलब पैर, भय यानी होना, सुकृत कृति ने बनाना, सु उसमें उपसर्ग लग गया, बढ़िया, सब इन सभी सुफल, फल तो होता है और अच्छा फल, क्योंकि फल दो तरह से होते हैं, नतीजे दो तरह से होते हैं, कुफल और सुफल, हमारे इन्हें हम सबके। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे, हे प्रभु, हे मुनिराय वाल्मीकि जी, जैसे ही मैंने आपके पैरों के दर्शन किए हैं, हम प्रणाम कहाँ करते हैं, पैरों में तो करते हैं, कान के किसी का हाथ थोड़े लगाते हैं कि कान के टच किए, क्योंकि पैरों में झुकने से अपना जो एक तो स्वास्थ्य होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो ठीक रहता है, दूसरी बात एक आदर ज्ञापित करने का एक अचूक तरीका है। तो देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, ये रामचंद्र जी ने कहा, मैंने जब आपके पैरों को देखा है, उनके दर्शन किए हैं, तब भय नहीं होना, मेरे सभी जो कार्य थे ऐसा लग रहा है कि वो सभी कार्य सफल हो करके उसका जो सुफल है अर्थात पुण्य मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं धन्य हो गया हूं। ऐसा कौन कह रहा है, रामचंद्र जी। अब जय राउर आयुषु हुई, तुलसीदास जी ने राउर का मतलब रावला, रावला का मतलब आपका, राउर का मतलब क्या हो जाएगा, आपका, ये ध्यान रखना, राउर यानी आपका। अब यानी अभी जय राउरिनी आपका, आयुषु का मतलब आज्ञा, उद्वेगु का मतलब था उद्वेग दुख, नहीं पावे नहीं प्राप्त करना कोई नहीं कोई भी, कह रहे हैं कि अब जय राउर आयुषु हुई, हे महर्षि वाल्मीकि जी, अब अगर आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो मुझे ऐसी जगह बताइए जहां मुझे कुटी का निर्माण करना, और वो जगह मुनि उद्वेगु न पावे कोई, पर जहाँ पर कोई भी ऋषि मुनि है वो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो, जो दुख को प्राप्त नहीं होता हो, ऐसी जगह मुझे चुन करके बता दीजिए। मुनि तापस जिनते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दे, और ऐसी जगह मुझे बताइए जहाँ पे मुनि और तापस यानी तपस्वी, जिनते दुख लही, जो किसी दुख से दुखी हैं, और ते नरेश बिनु पावक, बिना आग के दही जलना, दहन होना, तो बिनु पावक दही में इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कार्य के अभाव में कार्य का हो रहा पाना पाया जाना विरोधाभास, विरोध न आभास, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। ऐसी जगह जहां पर वे राजा जो बिना अग्नि के ही अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, उस जगह को मुझे बताइए जहां पे मैं रह सकूं, और मंगल मूल विप्र परितोषु, परितोषु का मतलब जगह संतोष, और कबीरदास जी ने भी कहा है, मारी आशा सापनीर जिन रसिया संसार, और ताकी औषध तोष है, वो यही तोष,
परितोषु का मतलब हो जाएगा संतोष। मंगल मूल का मतलब जड़ गहराई वाला भाग। विप्र, विप्र कहा जाता है पंडित को, ब्राह्मण को, किसको कहा जाएगा ब्राह्मण को। इसको द्विज भी कहा जाता है दोस्तों। द्विज इसलिए कहा जाता है कि जिसने दो बार जन्म लिया हो। एक तो पक्षी को कहा जाता है क्योंकि वो पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर अंडे से चूजे के रूप में। एक दांत को कहा जाता है क्योंकि पहले दूध के दांत आते हैं और उसके बाद में स्थाई दांत। और एक कहा जाता है ब्राह्मण को, ऐसा कहा जाता है कि एक तो भगवान के मुख से इसकी उत्पत्ति होती है और एक माँ के गर्भ से। तो मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मणों का संतोष ही सब मंगलों की जड़ है। और ये सही बात है, ब्राह्मणों का जो संतोष है वो सभी मंगलों की क्या है, जड़ है। मूल यानी जड़, मंगल यानी अच्छा। और दही कोटि कुल भूसुर रोसु, दोस्तों बहुत अच्छा शब्द आया है भूसुर, पर्यायवाची भी है। भू का मतलब होता है धरती और सुर का मतलब होता है देवता। तो धरती के देवता किसको कहा जाता है, ब्राह्मण को कहा जाता है, ठीक है, पंडित को कहा जाता है। इसलिए तो अपने बोलते हैं पायलागुसा, जब भी कोई ब्राह्मण देखते हैं तो भूसुर धरती का देवता, तो भूसुर कहेंगे ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द भी हो जाएगा। रोसु का मतलब क्रोध, कुल का मतलब पूरा का पूरा वंश, कोटि का मतलब करोड़, दही नहीं जलना। मंगल मूल विप्र परितोषु, सभी संतोष की जड़ है वो ब्राह्मणों का मंगल है। और जिस सभी कुलों को भस्म करते, भस्म कर दे ऐसा सामर्थ्य ब्राह्मणों के क्रोध में हुआ करता है। और इसका ताजा उदाहरण या इसका कोई उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा खोली थी और संपूर्ण जो नंद वंश था, किसका, संपूर्ण नंद वंश का उन्होंने खात्मा कर दिया था। अपने साथी, अपने चेले तैयार, उसको तैयार करके चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने, बस वही है कि पूरे समस्त कुल को नष्ट अगर करना हो तो ब्राह्मणों का क्रोध ही काफी है। अस जिए जाने कही सो उठाओ, अस इन्हें ऐसा जिए इन्हें मन जाने इन्हें जानना, कही इन्हें कहना सो इन्हें वो ठाऊ इन्हें स्थान, ठाऊ इन्हें स्थान। ऐसा मन में जान करके आप मुझे ऐसा कोई स्थान बता दीजिए। कौन कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी। किनसे कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी से। कहां कह रहे हैं, इस अयोध्या कांड में जो रामचरितमानस से लिया गया है, आचार्य तुलसीदास द्वारा रचित। सीय सौमित्री सहित जह जाओ, सीय नी सीता जी, सौमित्री, सौमित्री कहा जाता है लक्ष्मण जी को। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लक्ष्मण जी की माता जी का नाम है वो सुमित्रा था। और दूसरी बात, ये संतान बोधक है, ये शब्द है वो संतान बोधक है। प्रत्यय पढ़ेंगे आप, त्वदित हो जाएगा, कृत हो जाएगा, उसका भाग ही है। सहित इन साथ में, जह इन्हें जहां जाऊं इन्हें जाता हूं। आप ऐसी कोई जान करके जगह मुझे बताइए जहां पर मैं अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ में और मेरे अनुज लक्ष्मण के साथ में वहां जाकर के मैं रहना प्रारंभ कर दूं। त रचि रुचिर परम तरुषा त्रिनिशाला, यानी वहां रचि का मतलब निर्माण करना, रुचि यानी अपने इच्छा अनुसार, परण का मतलब पेड़ पौधों के पत्ते, तृण परण और तृण, शाला का मतलब हो जाएगा शाला, और शाला का मतलब कुटी, है ना। आप ऐसी कोई जगह बताइए और वहां पर मैं जाकर के अपने अनुज के साथ में, मां मेरी अर्धांगिनी सीता के साथ में जाकर मैं जो प्रण तरण है उनसे निर्मित एक शाला बना देता हूँ, कुटिया बना देता हूँ। और बासु करो कुछ काल कृपाला, और वहां जाकर के कुछ समय के लिए, कछु ब्रज भाषा का शब्द हो जाएगा, आप भरतपुर और उसके आसपास वाले एरिया में जाएंगे वहां पे कछु का मतलब होता है कुछ, ये शब्द आता है, कुछ काल कृपाला, वहां जाकर के मैं कुछ काल के लिए रहना प्रारंभ कर दूं। सहज सरल सुनी रघुबर बाणी, और रघुबर का मतलब है श्री रामचंद्र जी ने ये सहज बाणी सुन करके, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु का मतलब धन्य धन्य, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। कोई भी शब्द है जिसका अर्थ अगर एक ही होता है और वो एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। और मुनि यहाँ पे कौन है, वाल्मीकि जी। तो सेकंड ग्रेड में अगर प्रश्न बनता है तो सीधा ये बनता है, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, निम्न में से मुनि का संबंध किन से है, श्री रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी या लक्ष्मण। इस प्रकार से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न बनते हैं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु यानी धन्य हो धन्य हो, ऐसा जो ज्ञानी मुनि है वाल्मीकि जी ने कहा। कस न कहू अस रघुकुल केतु, रघुकुल, रघु के कुल की, केतु का मतलब होता है ध्वजा, केतु यानी
ध्वजा, केतु का अर्थ हो जाएगा ध्वजा। इसको एक बार देख लेते हैं, रघुकुल केतु, तो रघु के कुल की ध्वजा, तो रघु के कुल की ध्वजा कौन है? रघु के जो कुल की ध्वजा है वो श्री रामचंद्र जी है। कौन है दोस्तों? श्री रामचंद्र जी, रघुकुल केतु श्री रामचंद्र जी। कस न कहू अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। श्रुति का मतलब वेद, सेतु का मतलब आप समझते हैं, एक स्थल भाग को एक स्थल भाग तक जोड़ने जोड़ा जाता है और उसके बीच में अगर कोई पानी है, इधर भी पानी और इधर भी पानी, सॉरी यहां पर भी ये पूरा का पूरा पानी है और इस भाग से इस स्थल से इस स्थल तक के लिए जहां पर कुछ निर्माण किया जाता है, ठीक है, पुल की तरह, उसको सेतु कहा जाता है। तो तुम पालक संतन श्रुति सेतु, आप तो संतों को, संतों के और वेदों के पालक भी हैं और उनकी रक्षा में एक सेतु का काम करने वाले हैं। और कसन कहो अस रघुकुल केतु, और आप जो धन्य हैं, रघु की कुल की ध्वजा हैं, और जरूर आपसे इस बारे में हम परामर्श करेंगे और आप जल्दी से अपनी प्रणकुटी का निर्माण कर लीजिए। ऐसा श्री रामचंद्र जी और महर्षि वाल्मीकि जी के बीच में संवाद हुआ, जो बातचीत यहाँ पे हुई वो हमने देखी। और इसमें अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी वर्ण है उसकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। एक इसमें विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा, किसी कार्य के अभाव में फिर भी कोई कार्य हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर विरोधाभास। यहाँ पर एक हो जाएगा साधु, साधु कहाँ गया वो, ये वाला, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और सुकृत सब सुफल, स स वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें आप ब्रज का भी लिख सकते हैं, कुछ ब्रज के शब्द और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और विशेष में लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन करके सच में ये मतलब बता दिया है कि वो मर्यादा पुरुष हैं और उनके अंदर विनय और शील का अपार भंडार है, अपार जिसका कोई पार नहीं है, अथा जिसका कोई था नहीं है, और इस प्रकार के पुरुष का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है सर। वीडियो किस प्रकार से लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, और मैं भरत कोरोना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।